Hey guys, welcome back. I hope everyone is doing great. So आज का जो वीडियो है, जैसे आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, it's all about coronavirus. So we are not going to do any cooking today. Coronavirus का वीडियो बनाने के लिए मुझे इसलिए I felt the urge because as you know, it has already spread so much in China. China में काफ़ी हद तक spread हो चुका है. And in India also, बहुत सारे measures लिए जा रहे हैं. अगर कोई suspect मिलता है, suspect नज़र आता है कि he may be affected with coronavirus, तो काफ़ी सारे test वगैरह हो रहे हैं. जैसे recently केरला में there was a coronavirus outbreak. काफ़ी सारे लोगों का blood sample लिया गया for testing. And recently, like I think 10 days ago, मैं while I was scrolling my Facebook page, मुझे एक वीडियो मिला. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो वॉज ऑल अबाउट करोना वायरस. एंड देर इज़ अ डॉक्टर अश्विन विजय. एंड ही सेड मेनी थिंग्स अबाउट करोना वायरस. बहुत सारे मेजर्स, प्रिकॉशंस जो हम ले सकते हैं ताकि करोना वायरस से फाइट कर सके. First and foremost thing what he said is don't panic. डरने की कोई बात नहीं है. Do not panic. Coronavirus is just like any other viruses, like cold, cough, fever. It is same as those viruses. जैसा cold होता है, cough होता है, fever होता है, similarly coronavirus is such a type of virus. Okay? And then he said some steps, some measures जो हम ले सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर वी कैन फाइट नॉट ओनली कोरोना वायरस बट एनी अदर वायरसेस विच कम्स इन अ वे. ओके, सो आई हैव जॉटेड डाउन सम पॉइंट्स. फर्स्ट व्हाट ही सेड इज डू नॉट पैनिक. एज आई सेड, डू नॉट पैनिक. जैसे कोल्ड, कफ एंड फीवर के वायरसेस होते हैं, करोना वायरस इज वन ऑफ those kind of virus. Second, past में भी कई सारे viruses spread हुए हैं, but compared to those viruses, हम अगर करोना viruses को past के viruses जो spread हुए हैं उनके साथ अगर हम compare करें, तो उसका mortality rate, करोना virus का जो mortality rate है, it is just 4%, which is very low, so that is a good sign. Then, उन्होंने कहा है कि करोना वायरस स्प्रेड कैसे होता है. ओके, हाउ इट्स स्प्रेड. इट्स स्प्रेड्स सेम, जैसे सपोज आपके घर में किसी को कोल्ड है, कफ है, फीवर है. फीवर तो नहीं बोल सकते, कोल्ड एंड कफ है, तो बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को भी धीरे धीरे कोल्ड एंड कफ होने लग जाता है. तो करोना वायरस भी उसी सिमिलर तरीके से स्प्रेड होता है, दैट इज़ थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. अगर आप छींकते हैं, ओके, अगर आपके नेज़ल सीक्रेशन से आप टच करते हैं आपके हाथ को, वो किसी और के हाथ में या माउथ में लग जाता है, थ्रू दैट इट स्प्रेड्स लाइक दैट ओनली. देन तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में. सपोज अगर आपको कोल्ड एंड कफ है, तो अगर आप किसी से मिलते हैं या आपके फैमिली मेंबर में जो भी है, जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन. लाइक यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 3 feet. ओके, मैंने यहाँ पे सारे जॉट डाउन करके रखे हैं सो दैट आई डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लेन एनी ऑफ द पॉइंट टू यू. यू हैव टू मेंटेन 3 feet ऑफ डिस्टेंस अगर आपको कोल्ड एंड कफ है. एंड द सेम अप्लाइज टू अदर पर्सन ऑल्सो, वाइस वर्सा. आई मीन अगर किसी और को कोल्ड एंड कफ है, तो आपको उसके साथ 3 feet का डिस्टेंस मेंटेन करना है. ओके, एंड द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हैंड हाइजीन. स्पेशली यू हैव टू एनकरेज दिस अमोंग योर किड्स. सो वॉट इज़ हैंड हाइजीन. इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, और आपके फैमिली मेम्बर या आपका बच्चा इज़ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, देन मेंटेन हैंड हाइजीन. मीन्स वॉश योर हैंड्स
and you have to wash it for 20 seconds minimum with hand wash properly. So that is hand hygiene. So usse kya hoga, jitne bhi bacteria virus hai wo khatam ho jayenge haath se. Okay, so that is one of the very good way jisse hum is infection ko spread hone se rok sakte hain. Okay, and then and specially encourage this among your children. Okay, and then next point what is said is coronavirus karta kya hai, I mean what does it do. Okay, तो बेसिकली जैसे अगर हमको कोल्ड एंड कफ होता है, स्पेशली मुझे पता चल जाता है अगर मुझे कोल्ड होने वाला होता है तो माय थ्रोट दिस पार्ट गेट इन्फेक्टेड. यहाँ पे ऐसा बहुत चुभन जैसा होता है एंड आई रियलाइज़ कि मुझे फ्यूचर में अभी कोल्ड होने वाला है. सो सिमिलरली कोरोना वायरस ऑल्सो इफेक्ट्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो इफेक्ट करता है एंड इवेंचुअली it might lead to death. I mean, don't think ki coronavirus ho gaya matlab you are going to die right away. No, this is exactly not what Dr. Ashwin Vijay said. He said people who comes under category of immunocompromised, I mean jinka immunity system is weak, I mean very weak, those people can die if they are infected with coronavirus. So who are those people jinka immunity system low hai, I mean who are those people, kaun hai wo log jo immuno compromised category ke under aate hain. So number one, people jo log 70 years se zyada old hai, those people. बच्चे जो लोग 2 या 3 इयर्स के बिलो के कैटेगरी में आते हैं वो. देन पीपल हु हैव कैंसर एंड आर अंडरगोइंग कीमोथेरेपी एंड आल्सो पीपल हु हैव क्रोनिक डायबिटीज़ एंड आल्सो एचआईवी पॉजिटिव पीपल. दीज आर द कैटेगरी ऑफ पीपल हु कम अंडर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कैटेगरी. ओके, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. And also, he said, what precaution we can take to fight such type of viruses, not only coronavirus, but any type of viruses, what precautions can we take. Don't think coronavirus ho gaya hai, abhi cold and cough ho raha hai, matlab mujhe coronavirus ho gaya hai and I am going to die right away. It is not exactly, aisa bilkul bhi nahi hai. Okay, so let's not spread this rumor ki coronavirus hai to matlab mar gaye, mar jayenge, aisa bilkul nahi hai. So let's not spread the false rumor or myths or news. Let's come to the point, what can be done, what measures we can take to fight such type of viruses. So as he said ki jin logon ka immunity system weak hai wo zyada effect ho sakte hain, iska matlab ye hua ki we have to work on our immunity system. Agar hamara immunity system is strong then coronavirus kya koi bhi virus aa jaye we can fight that, right? So there are some points, there are some precautions he said which we can work on to improve our or to strengthen our immunity system. So jab hamara immunity system ka baat aata hai to first and foremost ek hi cheez dimag mein, mere dimag mein ek hi cheez aata, that is food. What type of food you take, what choice of food you make. Okay, so what he said is you have to consume food which is rich in vitamin C, I mean very very rich in vitamin C, because vitamin C can always and always boost your immune system, it will make your immune system strong. Okay, so vitamin C ke under mein aayenge, unhone kaha hai oranges. Okay, guavas specially, he insisted on guavas. Guavas is very good source of vitamin C. Amlas,
Then ginger. Ginger also is very good source of vitamin C, and green leaf vegetables. Okay, have lot and lot of green leaf vegetables. Have oranges every day. You can have pineapple. You can have ripe papaya. Those are also very good source of vitamin C. So, अगर हम ये सारी चीज़ें daily basis में लेते हैं तो it will keep our immune system to a optimal level. एक ऐसा level पे ले आएगा जहाँ हमारा body, our body can fight against those viruses. Okay? So have these type of foods. And कौन से food हमें नहीं खाने चाहिए, कौन से food हमें avoid करने चाहिए. So processed food, obviously हर एक doctor processed food खाने को मना करता ही है. Refined sugar, white sugar, these white sugar you have to avoid it. I mean, you can take it in your tea, but don't have it like in a larger quantity. And if you take white sugar or processed food, what you will वो क्या करेगा, वो आपके immune system को relatively low करता जाएगा. So that is why doctors, many doctors in general also बोलते हैं कि don't take refined foods. And as he said, don't avoid refined food. मेरे दिमाग में और एक चीज़ भी आया, those supermarkets में जो packet foods मिलते हैं, frozen meat, frozen fries, frozen parathas, frozen peas, everything frozen. I guess we should avoid those frozen food as well. And of course, alcohol. You have to stop taking alcohol. And yes, one more thing. There is a myth that meat khane se ye viruses bahut jaldi spread ho jate hain body mein. To one extent I can say maybe, kyunki non-veg items mein rehte hain bacteria and viruses. But if you cook your meat or your chicken properly, very properly, then chances are low ki aapko ye infections हो. बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में दे गिव चिकन और मीट विच इज़ हाफ बॉइल्ड. सो डोंट टेक दोज मीट और चिकन. इफ़ यू लाइक मीट, कुक इट एट योर होम एंड कुक इट वेरी प्रॉपरली. तो गाइस, दिस इज़ व्हाट ही सेड रिगार्डिंग द कोरोना वायरस. दीज आर द इंफॉर्मेशन ही गेव. And yes, there is a, I mean, I'm not a doctor or a health counselor, but just I was going through that my Facebook page aur ye video mujhe dikha, to I felt like sharing with you guys. Maine description mein link diya hua hai. You can anytime go there and click on the link. Aap link mein click kijiye aur directly aap Dr. Ashwin Vijay ka video dekh sakte hain. He will give you properly, like मैंने जो बोला उनसे वो काफ़ी अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे. एंड सो दीज आर द सम ऑफ द फैक्ट्स ही सेड डॉक्टर अश्विन विजय ही सेड अबाउट कोरोना वायरस. एंड इन कंक्लूजन ही सेड डोंट पैनिक, डोंट स्प्रेड फॉल्स र्यूमर्स एंड मिथ्स एंड न्यूज, एंड जस्ट वर्क टुगेदर. लेट्स वर्क टुगेदर टूअर्ड्स दिस प्रिकॉशनरी मेजर्स and which will help us to fight such type of viruses, because I think precaution is always and always better than cure. And yeah, as of now what he said is, as of now there are I think no vaccines for corona virus. I don't know, this is what he said, but maybe abhi Kerala mein jo outbreak hua hai, I'm not updated. बट अगर मुझे कुछ अपडेट मिलता है तो आई ऑब्वियसली शेयर विथ यू गाइज. सो जस्ट टेक दिस करोना वायरस एज एनी अदर वायरसेस ऑफ कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर. डोंट पैनिक. एंड ऑल्सो लेट्स प्रे फॉर द चाइना पीपल, लेट्स प्रे फॉर चाइना सो दैट दे कम आउट ऑफ दिस करोना वायरस सेफली एंड साउंडली.
and let's pray for them, and let's work on our precautionary measures, and let's not get infected. Okay, so this was aaj ke liye, this was the topic, guys, because I thought I should share with you. जिन लोगों को पता नहीं है उनको भी पता होना चाहिए. मैं अगर आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, सो दैट आई शुड ऑल्सो गेट अवेयर ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन इफ़ यू हैव. एंड सो आज के लिए इतना ही. वर्क ऑन द प्रिकॉशंस एंड लेट्स प्रे फॉर चाइना. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बी सेफ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.